फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो 2018-19 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने आधा पार्ट कल डिस्कस कर लिया था, ये आखिरी पार्ट होगा, इसमें हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूछा है डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स पी फॉर अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के लिए जो है डायगोनल मैट्रिक्स पूछी है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला पूछा हुआ है अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी दैट सच दैट डी इक्वल टू पी डैश ए पी। यहाँ पे ए इक्वल टू दिया हुआ है एंड डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी इज राइट। ओके, कैसे निकालते हैं इसके लिए आप पीछे वाले वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स पी फॉर अ मैट्रिक्स ए, इसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट है। देखिए, बहुत ही ईजी सारे ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, तो आप इन सबको तैयार कर लेंगे। हो इसमें से भी रिपीटेड मतलब 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसलिए इनको जरूर अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आ मैट्रिक्स ए इज यूनिटरली सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स इफ। कब यूनिटरली मैट्रिक्स सिमिलर होगी? कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के जब होगी इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस इज एन, तो सिमेट्रिक रिलेटिव, ट्रांसिटिव रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव रिलेटिव, तो तीनों ही ऑल द अबव सही हैं। ठीक है, देखिए आप लोग जो इससे पहले वाले वीडियोस हैं उसमें हमने बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो 2018-19 के थे, तो उसको जरूर देख लेंगे, जिससे मतलब आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैपलॉस के 16-17 के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, डिफरेंशियल के भी डिस्कस किए हुए हैं, तो और डायनेमिक्स के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो उन सब वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए बहुत ही आराम से, उन सबको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इन सब की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमसे। तो चलिए आगे को क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, द आइगन वैल्यू आर। आइगन वैल्यू हमने बताई है, एक वीडियो बना रख के रखा हुआ है ऑलरेडी कि आइगन वैल्यू कैसे निकालें, एकदम फर्स्ट क्लास ट्रिक है, बहुत छोटी सी, तो उससे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ छोटा छोटा सा लिख के रखा है, तो ये क्यों लिख के रखा है, ये हमने ट्रिक में पूरा बता के रखा है, तो आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज इंटू लेमडा प्लस मॉड ए, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगी। इसके जो सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वही हमारी क्या होंगी, उसको सॉल्व भले ना करें, इन्हीं क्वेश्चन से सेटिस्फाई करा दें उसे, इस इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी वही हमारा ऑप्शन हो जाएगी। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अगला, इसकी आइगन वैल्यूज पूछी गई हैं, तो इसका भी यही होता है, ऐसे ही निकालेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ किस टाइप से निकालते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तो उससे जा करके देख लीजिए, बिल्कुल 5 मिनट का वीडियो है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ मॉड ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी राइट है। अगला है केले हैमिल्टन थ्योरम सेज दैट, क्या कहती है केले हैमिल्टन थ्योरम? एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाइड बाई ए, ओके ऑप्शन बी इज राइट। अगला है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एंड देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। अगर आइगन वैल्यूज किसी मैट्रिक्स की लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएंगी? ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगी 1/λ1, 1/λ2, सो ऑन 1/λn, ओके। अगला क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए एच जी जीरो बी जीरो जीरो सी सी आर, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है हमारा, ए बी और सी आएंगे आइगन वैल्यूज इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइगन वैल्यू से रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं जरूर जान करके जाएंगे आप लोग। अगला है, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ रियल सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल देन ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर +1 and -1, ठीक है, दो ये वैल्यूज आएंगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए इज बोथ, अगर रियल सिमेट्रिक है और देखो बताया था कल की सिमेट्रिक कब होती है और इसकी सिमेट्रिक कब होती है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक तब होती है जब मॉड ए इक्वल टू जीरो आएगा, इसकी सिमेट्रिक व्हेन मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी आइगन वैल्यूज पूछी है तो +1 -1 आ जाएंगी। अगला है, देखिए पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए इसको निगलेक्ट आउट नहीं करेंगे। अगला है, टू आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑर्थोगोनल, ओके, तो ऑर्थोगोनल होगी।
अगला है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आइगन वैल्यू से रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आइगन वैल्यू को बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं, हो सकता है मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज निलपोटेंट इफ इट्स ऑल आइगन वैल्यूज आर इक्वल टू, तो जीरो के इक्वल होंगी तभी होगा, ठीक है। अगला है द स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन आइगन वैल्यूज इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन द एबव स्टेटमेंट इज नोन एज, ये किसका स्टेटमेंट है। देखिए जो ये भी हैं जितने स्टेटमेंट हैं उन्हें आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं, ठीक है। तो केले हर्मिशियन जो हैमिल्टन थ्योरम है ये इसका है, कांची का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट है। अगला है ए इज करेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देन द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एडजॉइंट ए, तो मॉड ए अपॉन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेमडा, देखिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि केवल फॉर्मूला बेस आएगा, तो आप देख सकते हैं 2019 में कितने ज़्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, जितने स्टेटमेंट हैं उन सबको तैयार करेंगे, ओके। अगला जो क्वेश्चन है इफ लेमडा इज द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए देन के प्लस लेमडा इज करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स एक ए प्लस के आई का हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स देन के लेमडा वन के लेमडा टू के लेमडा एन आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एक्स के एक्स इक्वल टू ए वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस टाइप से इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, आगे देखते हैं। तो ये है इफ़ क्यू इज़ पॉजिटिव डिफाइन देन माइनस क्यू इज़ नेगेटिव डिफाइन, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब अगर क्यू पॉजिटिव है, क्योंकि आगे पॉजिटिव साइन लगा, अगर कह रहा है कि क्यू को पॉजिटिव डिफाइन करें देन माइनस क्यू को पॉजिटिव नहीं कर सकते, माइनस क्यू को सेमी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, सेमी नेगेटिव क्यों, हमको पता है पूरा नेगेटिव है, तो हम ऑप्शन सी राइट है। अगला पूछा हुआ क्वेश्चन है ट्रेस पूछा हुआ है, ठीक है, ट्रेस कैसे निकालते हैं ये भी डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिनोज द मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म बाय ए देन ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, तो ट्रेस से इसका जो आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा माइनस वन वन वन, ठीक है, इसको जब खोलेंगे तो ट्रेस से निकालेंगे आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है द रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इन थ्री वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्विवेलेंट टू डायगनल फॉर्म माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री देन द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ, निगेटिव डिफाइन, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए यहाँ पे माइनस लगा तो निगेटिव डिफाइन हो जाएगा, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट टू द डायगनल फॉर्म एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री माइनस फाइव एक्स फोर का होल स्क्वायर देन सिग्मा ए आई जे, क्या होगा, 4 होगा, ओके, ऑप्शन सी इज राइट। अगला पूछा गया है देखिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा गया किसके इक्वल है, ठीक है, कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ऑप्शन ए राइट है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आ जाएं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपका कल ही पेपर है तो प्लीज़ सभी तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि वो लोग भी बाकी वीडियोज़ को भी देख पाएँ और मतलब इनका लाभ हो आप लोगों को, पेपर में क्वेश्चन आए इसी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, तो इनको पढ़ के जाएंगे। यहाँ अगला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स डायगनल लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन इज, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लेमडा वन एक्स टू प्लस लेमडा टू एक्स वन एक्स थ्री सो ऑन लेमडा एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन, ऑप्शन सी राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में रिपीट हो जाए, तो इसको बिल्कुल पढ़ के जाएंगे, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये कुछ अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने जितने भी 2019 में आए थे मैट्रिक्स के वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, थीके? तो ये देख सकते हैं कुछ अलजेब्रा का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है इफ़ एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ, तो पूछा गया है, मतलब ये पूछा नहीं गया, ये थ्योरम ही है, इस थ्योरम को आपको याद कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ले लिया। नॉर्म एक्सिस ये जो डबल ऐसे बना हुआ है डबल मॉट की तरीके से, तो इसको नॉर्म पढ़ते हैं। नॉर्म एक्सिस ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एंड नॉर्म एक्सिस इक्वल टू जीरो देन एक्स जीरो होगा। नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल टू नॉर्म मॉड अल्फा इंटू नॉर्म एक्स, ओके। आगे देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पूछी जा चुकी है, हो सकता है आपके उसमें भी आ जाए। और एक चीज़ और, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि पैलोग्राम लॉ किसको कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलोग्राम लॉ, और दिया होगा 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन ये जहाँ पे दिया होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म एक्स, ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा पैलोग्राम लॉ है कहलाता, ठीक है। अगला
क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर द टू वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस वी, देन नॉर्म एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का नॉर्म एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू टू नॉर्म एक्स का स्क्वायर प्लस टू नॉर्म वाई का स्क्वायर। देखिए आप अगर सिंपली होल स्क्वायर भी यहाँ पे खोलते हैं इनका तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो प्लस का टू ए बी माइनस का टू ए बी कट गया, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर बचता है, तो उसमें नॉर्म लगा दिया है बस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म थे ब्रैकेट नहीं थे। ओके तो ये कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को, इस टाइप से ये सोल्यूशन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, सिंपली मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ भी गया होगा उम्मीद करते हैं। ये अगला है, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेक्टर स्पेस इन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑल द फॉलो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स एफ प्रूव दैट। ये प्रूव करने के लिए वहाँ पे नहीं दिया होगा, यहाँ पे पूछ देगा कि ये कौन सा सही है निम्न में से, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का नॉर्म का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड अल्फा स्क्वायर इंटू नॉर्म एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बार एक्स वाई अल्फा बार बीटा वाई एक्स प्लस मॉड बीटा का स्क्वायर इंटू नॉर्म वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो सकता है आ जाए, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर द टू वेक्टर ऑफ यूनिटेरी स्पेस देन प्रूव दैट, ठीक है, फोर एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ये हो सकता है दिया हो, पूछ दे ये किसके इक्वल है, ठीक है, हो सकता है फोर ये दे रखा हो बड़ा सा और पूछे ये किसके इक्वल है, तो फोर एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आई, आपको पता है ना आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस आई नॉर्म एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो आप चाहें तो खोल करके इस टाइप से दिया हुआ है देख लीजिए, ठीक है, लेकिन जो है मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो वो हमने आपसे डिस्कस कर दिया, ठीक है, ये जो निकल करके आता है, ठीक है, ये आप लोग तैयार रखेंगे, इनइक्वालिटी ये देखिए लिखा हुआ है स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कुछ बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट था तो पढ़ लीजिए, और चाहें तो ये प्रोडक्ट भी आप याद कर सकते हैं, एकदम इजी सा है, ये आरी का मतलब रियल है, ठीक है, वन बाई फोर नॉर्म एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर नॉर्म एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। कुछ और जो एल्जेब्रा के पूछे हुए हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, असेट ऑफ अल्फा इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री इज आर क्यूब सेटिस्फाइज ए वन प्लस थ्री ए टू इक्वल टू ए थ्री, तो ये फॉर द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, आर सी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। अगला है, वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड अल्फा बिलोंग्स एफ यू बिलोंग्स वी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, आपको पता है कि जो है अल्फा यू इक्वल टू जीरो, आइदर अल्फा जीरो हो या यू जीरो, कोई भी एक जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, अल्फा जीरो जीरो होता है, यू जीरो जीरो होता है, लेकिन मॉड ऑफ माइनस वन इंटू यू ये नहीं होता है, ठीक है, ये यू ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अ सेट ऑफ वेक्टर वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब हमारा क्या आएगा मॉड ऑफ ए इक्वल टू जो है जीरो आ जाएगा तब हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, व्हेन मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो इसका आप लोग मॉड निकाल करके देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हमने निकाल के रख लिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, तो इसका जब निकालेंगे वन अब इस लाइन को छोड़ देंगे पूरी, ठीक है, इसको और इस लाइन को छोड़ देंगे तो वन इंटू वन कितना हो गया, वन इंटू वन हमारा हो गया वन, ठीक है, ये वन पहले से रख लिया इनको ब्रैकेट में, ये इनकी मल्टीप्लाई देन इनकी वन माइनस जीरो, तो ये वन आ जाएगा, बाकी जीरो है इसलिए जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो होगी, वन आ गया मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला है, इफ एक्स इज द वेक्टर देन मॉड एक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगला पूछा गया है, इफ वेक्टर स्पेस वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ देन द वेक्टर अल्फा 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 टू अल्फा एन, देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है थ्योरी बेस से पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ के जाना है, देन द वेक्टर्स अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सो अल्फा एन बिलोंग्स वी एफ आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, नॉट ऑल ए आई इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू वन टू एन, ऑप्शन बी राइट है। अगला है द टू वेक्टर स्पेस अल्फा एंड अल्फा टू आर इक्वल टू द सेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इज लीनियरली डिपेंडेंट, ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड डब्ल्यू दिया हुआ है वेक्टर इन आर क्यू देन
अ रियल वेक्टर स्पेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा है ये राइट आ जाएगा। अगला पूछा गया है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इफ़ द वेक्टर एक्स थ्री वन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर वेक्टर्स वी वन वी टू देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ ली गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हमारी फाइव वैल्यू आ जाएगी। अगला देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस स्पेंड बाई वन माइनस टू थ्री माइनस वन एंड वन वन माइनस टू थ्री, तो इसकी आ जाएगी टू। इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स देन डायमेंशन ऑफ वी, अगर टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो डायमेंशन फोर, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अगला पूछा गया है द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एफ एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड एफ इज, तो इनफाइनाइट होगी। देखिए किसी ने पूछा था, मतलब कहा था कि वेक्टर स्पेस से रिलेटेड, तो ये वेक्टर स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, द सेट एस इक्वल टू ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी इज अ बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस सी और आर इफ ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगला है द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस स्पेंड बाई, ये भी देखिए कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख करके जाएंगे, हो सकता है डिजिट चेंज करके दे दे। ठीक है, देखिए 2019 में पूछा गया, इससे पहले ये देखिए यहाँ पे 2018 में भी इससे पहले क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था, तो मतलब इस टाइप का आप जैसे वो आया था तो ये आ गया, मान लीजिए इस बार ये क्वेश्चन दे दिया, तो आप लोगों को ये तैयार करके जाना है। ठीक है, इस टाइप से सारे क्वेश्चन। अगला है डायमेंशन ऑफ क्यू रूट टू कॉमा रूट थ्री ओवर अ फील्ड क्यू आर रेशनल नंबर्स आर, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फोर ऑप्शन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा, सब स्पेस डब्लू वन डब्लू टू ऑफ आर क्यूब आर देन आर क्यूब डब्लू वन प्लस डब्लू टू, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए, ये जो प्लस करके गोला ऐसे बना हुआ है इसको डायरेक्ट सम बोलते हैं, आर क्यूब इक्वल टू डब्लू वन प्लस डब्लू टू का डायरेक्ट सम। ठीक है, अगला है प्लस को सम ही बोलते हैं ना, इसीलिए जब गोले में होगा तो डायरेक्ट सम बोल देंगे। इफ डब्ल्यू वन इक्वल टू आर जीरो आर डब्ल्यू टू आर आर जीरो टू सब स्पेस ऑफ आर क्यूब आर, देन कौन सा ऑप्शन राइट है, आर क्यूब इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। ठीक है, डायमेंशन देखिए, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी एफ देन डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू, डायमेंशन वी अपॉन डब्ल्यू आपने सुना होगा लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसे ही डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू बी द फाइनाइट डायमेंशन सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, इफ डायमेंशन डब्ल्यू वन इक्वल टू टू डब्ल्यू टू इक्वल टू टू देन डायमेंशन डब्ल्यू एन प्लस डब्ल्यू टू इक्वल टू थ्री देन डायमेंशन डब्ल्यू वन इंटरसेप्शन डब्ल्यू टू पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वन। अगला है द वेक्टर स्पेस बी इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस यू एंड डब्ल्यू, बी इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू यू इंटरसेप्शन डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। देखिए आप हमसे जुड़े रहे हैं, थर्ड ईयर में भी आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी यहाँ पे देखने को, तो आप अगर ट्यूशन वगैरह नहीं जा सकते तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, तो उन सभी बच्चों को तक ये पहुँचा दीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो बस यही कहना था आप लोगों से, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रह गए उन्हें देख लेते हैं बस, और इसके बाद आपको अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, तो उससे रिलेटेड अगर वीडियो बन पाएगा तो मैं बना दूंगी। और कल हम लोग शाम को मिलेंगे फिर 6 बजे, टेलीग्राम पे आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों की कुछ बात होगी कि आपका पेपर कैसा हुआ क्या रहा, तो उस बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगला है लेट वी बी एन डायमेंशनल स्पेस देन इट्स डुअल स्पेस वी इज ऑफ डायमेंशन, तो एन ऑप्शन बी राइट है। अगला है द इनहेलेटर डब्ल्यू बी द सब स्पेस ऑफ वी कैप इफ डायमेंशन बी इक्वल टू एन देन डायमेंशन डब्ल्यू इक्वल टू रो देन ऑप्शन सी इज राइट। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिए, छोटे मोटे मतलब जो भी क्वेश्चन है ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी हो सकता है आ जाए, तो इन क्वेश्चंस को निगलेक्ट आउट नहीं करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, इनको देख लेंगे आप लोग, और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। रैंक से रिलेटेड और नलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें निगलेक्ट आउट नहीं करेंगे। ये जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस है
ये देख लीजिए, अलीनियर ट्रांसफॉर्म पाई वी टेंस टू वी इस कार्ड प्रोजेक्शन इफ पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, इसी टाइप से लेट सिग्मा इक्वल टू ये दिया हुआ है, देन द बेसिक कर्नल ऑफ सिग्मा पूछा हुआ है, तो ये आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़ के जाएंगे, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रैंक से रिलेटेड तो हमने इससे पहले भी बता दिया आपसे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैट्रिक्स में भी और जो ये है अलजेब्राइक में भी। ठीक है, तो जो थ्योरी बेस है मतलब डिफिनेशन, जैसे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म टी इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, नल स्पेस ऑफ टी कहते हैं, अभी बताया था पैरेललोग्राम लॉ, तो बताइए किसको कहते हैं, आप खुद उससे मतलब सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्म लिखा तो जा नहीं सकता, यहाँ पे साइन नहीं होंगे आपकी कीबोर्ड पे। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे देख लीजिए सारे क्वेश्चंस, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप यहाँ से इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपका पेपर अच्छा ही होगा, और आप जो है हमसे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिससे आपको वहाँ पे ये सारी इसकी पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ टी इज़ नॉन सिंगुलर इफ़ नल्टी टी इज इक्वल टू जीरो, तो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अलीनियर ट्रांसफॉर्म ए ऑन फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज इनवर्टिबल इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर पढ़ के जाना है, आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो टॉपिक हम बता सकते हैं, आप उससे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा, अगर बुक है आपके पास तो, वरना वीडियोज ही देख लीजिए। ठीक है, और ये जैसे क्वेश्चन आया, बाइलिनियर फॉर्म एफ इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ एनी मैट्रिक्स बी इज रिप्रेजेंटिंग एफ हैज अ प्रॉपर्टी बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, जो इंपॉर्टेंट था आगे का क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।